हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का रिजल्ट आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन टाइम तो हो गया है दोस्तों, लेकिन बच्चों में असंतुष्टि बनी हुई है। बहुत सारों की डिमांड आ रही है कि सर आखिरकार रिजल्ट आया है तो कैसा आया है, इसमें हाई मार्क्स वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और दोस्तों बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि रिजल्ट कैंसिल हो एंड बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि रिजल्ट फिर से आए। तो दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि आखिरकार कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट आपका फिर से जारी हो, या फिर यूं कहें कि आप लोगों का कट ऑफ बताया जाए। ये आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, ताकि पता चले आप लोगों का परसेंट देख के कि हाँ इतने परसेंट लोग हैं जिनको लगता है कि रिजल्ट फिर से आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको आपको क्या करना है। यहाँ पर बताने के लिए एक तो मैंने पोल क्रिएट किया है एंड इसके साथ साथ आपको कमेंट करना है। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप आरटीआई लगाएं, आप अपने मार्क्स चेक करें कि आपको पता चले कि आपका किस कारण बस सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप आरटीआई लगाइए। आप जहां से चाहे वहां से आरटीआई लगाइए, आप चाहे तो यहां से भी लगा सकते हैं। आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर लिंक दी होगी। आप लिंक पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, अपनी सबमिट कीजिए इन्फॉर्मेशन, आपकी आरटीआई लग जाएगी। इसके लिए बहुत से वीडियोज मैंने डाल चुका हूँ, आप चाहे कहीं से भी देख लेना, कोई भी वीडियो देख लेना आरटीआई के ऊपर, आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करें, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और आपका आपके लिए एक नया चैनल बना दिया गया है जिसका नाम है स्टडी हेल्प। जी हाँ दोस्तों, उस पर ही अभी थोड़े ही टाइम बाद आप लोगों की क्लासेज अपलोड होने लगेंगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट हो रही है आपकी बिहार पुलिस दरोगा के लिए हिंदी, वो भी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। और आप चाहें कि आप ऑफलाइन आरटीआई लगाएं, तो आप ऑफलाइन आरटीआई का फॉर्म भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके मार्क्स ज्यादा हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको आरटीआई लगाना बनता है। हक है आपका जानना कि किस कारण नहीं हुआ है और आपके मार्क्स आए हैं तो कितने। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं आपको कैसा क्या करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अपनी वीडियो के नीचे। और यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट फिर से आना चाहिए, आप असंतुष्ट हैं इस रिजल्ट से, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, आपको लगता है आपका कट ऑफ जारी होना चाहिए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर लाइक पर क्लिक करना है। ओके, और यदि आपको लगता है कि आपका रिजल्ट अब ना आए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, जी हाँ दोस्तों, तो आप डिसलाइक पर क्लिक करें। मतलब कि फैंस आपको यहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि आपका रिजल्ट सही है तो आपको यहाँ पर लाइक देना है, आपका रिजल्ट सही नहीं है तो आपको यहाँ पर डिसलाइक देना है। ओके फैंस, और आप चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि रिजल्ट ना आए तो डिसलाइक नहीं भी करें तो चलेगा। ओके फैंस, तो आप लोग लाइक जरूर प्रेस करें यदि आपको क्या रिजल्ट आना है ये चाहते हैं तब। और दोस्तों आपको यहाँ पर कमेंट करना है कि मेरे मार्क्स कितने थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसके साथ साथ आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं यूआर एग्जाम गोली के कम्युनिटी टैब पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप होम पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कम्युनिटी टैब का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी टैब है चौथे नंबर पे। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पोल क्रिएट किया है जिसमें लिखा है क्या कौन कौन चाहता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का रिजल्ट फिर से आए, जवाब दें। जी दोस्तों, ताकि हमको आपका परसेंटेज पता चल सके कि आखिरकार इतने परसेंट ऐसे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं और चाहते हैं कि रिजल्ट फिर से आना चाहिए, इसका कट ऑफ जारी होना चाहिए फिर से। हालांकि कट ऑफ बताया नहीं, तो कट ऑफ जारी होना चाहिए और रिजल्ट फिर से आना चाहिए। और दोस्तों कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कि संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि अब रिजल्ट ना आए, अच्छा है रिजल्ट, कोई मिस्टेक नहीं है रिजल्ट में, तो आप लोगों को यहाँ पर एस और नो में जवाब देना है। और एक चीज, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक लोग अपना मत दे सकें, जाहिर कर सकें अपनी इच्छा कि आखिर कैसा सही है और कैसा गलत है। तो दोस्तों इसके लिए आपको थोड़े नीचे खिसकना होगा, आपको जाना होगा स्क्रॉल डाउन करती है, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या जे, आपको बताना है कौन कौन चाहता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019-20 का रिजल्ट फिर से आए, जवाब दें। यदि आप चाहते हैं एस, हाँ फिर से आए, और आपका कट ऑफ बताया जाए, तो आपको एस पर क्लिक करना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है,
तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब ऐसी आपकी बोर्ड करीबन यहाँ पर हजारों में पढ़नी चाहिए, तब जाके हमको आपकी इच्छा पता चलेगी, परसेंट पता चलेगा। ओके, तो इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें इस पोल को, ताकि और भी लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और एक डाटा हमारे पास आ सके कि इतने लोग इस टाइप के हैं जो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट फिर से आए, या फिर इतने परसेंट लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपका रिजल्ट ना आए। आप लोग यहां पर एस और नो में वोट करेंगे तो आपका परसेंट अलग ही दिखाई देगा। जैसा कि अभी तक आप देख पा रहे होंगे, चार वोट डल चुके हैं और जिसमें 100% जा रहा है एस, फिर से आना चाहिए, नो का अभी तक नहीं डला। दोस्तों यदि आप पास हैं और आप चाहते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई है तो आप नो को भी क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मत चाहिए आप लोगों को एस और नो। ये नहीं देखना कि एस ही एस करना है, आपकी इच्छा जैसी हो रही आप वैसा कर सकते हैं। साथ ही साथ फैंस आपको बता दें, यदि आप कट ऑफ और सटीक जानना चाहते हैं कि कितना गया है आप लोगों का कट ऑफ, तो आप थोड़े नीचे आइएगा, आपका हर एक कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कितने नंबर में सिलेक्शन हुआ है। तो प्लीज फैंस आप यहाँ पर वोट जरूर दीजिएगा। जो कुछ मैंने बोला है, पास कैंडिडेट ही यहाँ पर वोट करेंगे, फेल कैंडिडेट को करने की कोई आवश्यकता नहीं, पास ओनली पास कैंडिडेट है ना। और यहाँ पर जिस कैटेगरी का पूछा है, मेल का पूछा है तो मेल ही करेंगे, फीमेल का पूछा है तो फीमेल। हालांकि फीमेल यहाँ पर सिर्फ यूआर की है ऊपर, और बाकी ये सारे के सारे मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि पास हुए हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर अधिक से अधिक वोट डालनी है, ताकि हमारे समक्ष जब तक आपका कट ऑफ ऊपर से डिक्लेयर नहीं किया जाता तो एक डाटा होना चाहिए कि आपका कट ऑफ गया है तो कितना, क्योंकि आप ही लोग पेपर दे के आए हैं, आप ही लोग को पता है आपके मार्क्स, आप ही बता सकते हैं आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप ही को यहाँ पर वोट डालना है। तब तक के लिए फैंस लेते हैं आपसे विदा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जो कुछ मैंने बोला है वो जरूर करिएगा, और ना पसंद आई हो तो कोई आवश्यकता नहीं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।